हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक सिंह परिहार। वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, उसके फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं उसके रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप बेसिक आप जानते होंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसके बेस पे हम, जैसे अगर हमें हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर गिवन होगा तो हम बेस फाइंड कर लेंगे, और अगर जैसे हमें अगर परपेंडिकुलर और बेस फाइंड होगा तो हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे, और अगर हमें हाइपोटेनियस और बेस फाइंड होगा तो हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। दो चीज़ में ज़रूर फाइंड होगी, थर्ड साइड हम अपने आप फाइंड कर लेंगे। इसे फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी अपॉन एच क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जो साइड मेंशन होगी और जो हाइपोटेनियस साइड में जो भी वैल्यू मेंशन हो उसको हम पुट करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इसी तरह कॉस थीटा, उसी तरह टेन थीटा, उसी तरह कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा ये भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। आप देख रहे हो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, उसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं आपस में सामने सामने, ये दोनों आपस में साइन कोसेक का, कोसेक थीटा का, टेन थीटा, कॉट थीटा का आपस में रेसिप्रोकल होती है। यहाँ पर हमने मेंशन किया है कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा की दो फॉर्मूले और होते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन थीटा की एक वैल्यू ये होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देन जब इसको रिवर्स करेंगे, कॉट थीटा बनाएंगे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और तीन आइडेंटिटी हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, देन सेकेंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तीन वैल्यू, ये कोशिक लिखा हुआ है सीएससी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, ये कोशिक है, कोशिक थीटा। देन हाइपोटेनियस है, ये हाइट नहीं है, यानी कि हिंदी में इसे कर्ण बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, जिसे हम हाइट भी बोल सकते हैं, और हिंदी में इसे हम लंब बोलते हैं। ये बेस है, और जिसे हम हिंदी में आधार बोलते हैं। ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस हमने यहाँ मेंशन भी किया है, और सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो जो ट्रेंगल ए बी सी है, इसमें राइट एंगल क्या है हमारा? बी है, और हमें फाइंड करना है, इसे हम रख लेते हैं ए, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये सी, और ये हमारा राइट एंगल है बी। मेंशन है पहले से क्वेश्चन में राइट एंगल एट बी। ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या है हमारा? ये बेस हमारा है, इसका मतलब। तो ये 24 सेंटीमीटर, देन बी सी हमें गिवेन है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवेन है, और हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी यानी बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या है? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या है? बेस है हमारा 24, तो बेस का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49, और 24 का स्क्वायर होगा 576। दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 625। यहाँ पर यच क्या है? स्क्वायर में है। देन यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे अगले स्टेप में? रूट 625। इसका मतलब रूट 625 की किसका होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो रूट हटाएंगे, रूट लगा देंगे, तो इसका 625 का रूट आ जाएगा 25। तो हमें ए सी जो है हमारा हाइपोटेनियस था फाइंड हो गया 25 सेंटीमीटर। देन अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है?
साइन ए। लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। देन हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर क्या है 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा 25 है। उसके बाद हमें चाहिए कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। देन हमें क्या बेस हमारा क्या है, बेस हमें फाइंड हो चुका है 24 गिवेन था, बेस गिवेन है 24 और हाइपोटेन्यूस क्या है 25, ये हमारा साइन ए और कॉस ए फाइंड हो गया। देन अब हमें फाइंड करना है साइन सी कॉस सी। अब थोड़ा सा यहाँ लॉजिक है देखना है, जब हम ए फाइंड करते हैं, जब एंगल हमारा जो बेस पे होता है उसे नॉर्मली हम वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन जब हमारा एंगल चेंज हो जाएगा, जैसे अब हमारा एंगल हो गया साइन सी या कॉस सी, यानी अब हमारा एंगल सी हो गया, तो या तो इसके लिए हम एक नया ट्रेंगल बना लें, जैसे दो तरीके हैं, दोनों तरीके मेंशन कर देते हैं। एक हमने ट्रेंगल बना लिया, हाइपोटेनियस वही रहेगा 25 सेंटीमीटर, अब हमारा बेस एंगल सी हो गया, ये एंगल ए हो गया और ये तो 90 था, बी पहले से मेंशन ही था। अब इसमें एक इंटरचेंज हो जाएगा, क्या इंटरचेंज हो जाएगा, जो यहाँ पहले से जो बी सी की वैल्यू थी 7 सेंटीमीटर वो पहले परपेंडिकुलर थी, लेकिन जब एंगल चेंज हो जाने की वजह से ये बी सी की वैल्यू परपेंडिकुलर से बेस में बदल गई, और जो वैल्यू बेस की थी ए बी की वैल्यू 24 अब ये बदल गई परपेंडिकुलर में। इसे चाहे तो आप अपने से एज्यूम करके एक ही ट्रेंगल में जो फिगर ड्रा हो उसमें आप सोच सकते हैं, एज्यूम करके लिख सकते हैं, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक दूसरा ट्रेंगल ड्रा करिए और उसमें मेंशन करिए, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। देन हम फाइंड करेंगे साइन सी फाइंड करना है। साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 24 अपॉन 25, हाइपोटेनियस तो हमारा वही है 25। देन फिर कॉस सी फाइंड करना है, कॉस सी हमारा एंगल तो ये हो गया है बेस में सी, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। साइन ए इस वाले से, साइन और कॉस ए जो है ये दोनों हमारे एंगल ए से फाइंड होंगे, और देन जब सी हमें फाइंड करना होगा तो या तो हम यहाँ से इंटरचेंज करें और परपेंडिकुलर को बेस ले लें और बेस को परपेंडिकुलर, जहाँ बेस बोले लिखने को वहाँ पर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दें, और जहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू बोले वहाँ पर हम बेस की वैल्यू पुट कर दें, या तो हम नया ट्रेंगल बना लें जिसमें हम एंगल को इंटरचेंज कर लें आपस में। देन चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन टू है, इन गिवेन फिगर फाइंड टैन पी माइनस कॉट आर। यहाँ पर हमने दो ट्रेंगल मेंशन कर दिए हैं, सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ट्रेंगल पी क्यू आर में, और हमें फाइंड करना है क्या, यहाँ पर हमें बेस नहीं फाइंड है तो हम बेस फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हमें बेस चाहिए तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूले को सेट कर लेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हम आगे मेंशन कर सकते हैं हाइपोटेनियस क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 25, और यहाँ पर क्या है बेस का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर अगर इधर से हटाएंगे इस साइड हो जाएगा रूट, और रूट 25 की वैल्यू होती है 5, तो बेस हमारा फाइंड हो गया, बेस हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ भी हम 5 सेंटीमीटर का मेंशन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है टैन पी और टैन पी और कॉट आर, जैसे जब टैन पी ये हो गया
फाइंड करेंगे इस एंगल से, अकॉर्ड आर फाइंड करना होगा इस एंगल से फाइंड करेंगे, इस वाले ट्रेंगल में तो आर आसानी से फाइंड करेंगे, और इस वाले ट्रेंगल से आसानी से हम एंगल जो पी वाला एंगल है टेन पी, इसे हम फाइंड करेंगे। तो पहले हमें टेन पी फाइंड करना है। तो हमें ध्यान रखना, हमेशा हम बेस जो भी फाइंड करना, जो भी एंगल फाइंड करना होता है, उसे हमें बेस में रख लेते हैं, हमेशा बेस में रखते हैं, आसान हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और नहीं तो फिर आप इंटरचेंज करेंगे, परपेंडिकुलर को बेस बनाएंगे, बेस को परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू चाहिए हमें, तो टेन पी क्या होगा, इस वाले से निकालेंगे टेन पी इससे निकालेंगे, है ना। तो टेन पी होता है, एक फार्मूला आप मेंशन कर लीजिए, हमेशा लर्न रखना पड़ेगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी पर पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, या तो बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पी से क्या बना, परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, बी से क्या हुआ बेस, एच से हाइपोटेनियस, पी से परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पी क्या है, अब यहाँ दो तरीके से साइन कॉस टेन, यहाँ कॉट से कोसेक फाइंड करने के लिए, ऊपर से फाइंड करोगे आप, पहले साइन होगा फिर कॉस होगा फिर टेन होगा, नीचे की तरफ से आप फाइंड करोगे, सबसे पहले कॉट होगा, कॉट होगा टेन को उल्टा कॉट होगा, फिर कॉस को उल्टा सेक होगा, और साइन को उल्टा कॉस होगा, सॉरी साइन को उल्टा कोसेक होगा, साइन को उल्टा कोसेक। तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है इसमें, 5 सेंटीमीटर। तो टेन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अपॉन बेस क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12, टेन पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉट और की वैल्यू चाहिए, कॉट क्या होता है टेन का रिवर्स होता है, जब टेन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये इसमें देखना है क्योंकि आर है, इसमें देखना है, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारा बेस है क्या 5 अपॉन 12, अब दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्यों दोनों अलग अलग ट्रेंगल बनाए, क्योंकि हमें यहाँ पर टेन पी चाहिए था, यहाँ कॉट आर चाहिए था, है ना, एंगल एक पी ये है आर ये है, तो हमने क्या किया दो ट्रेंगल बनाए, आर के लिए टेन कॉट आर के लिए यहाँ से इस वाले ट्रेंगल का यूज किया, और टेन पी के लिए यानी बेस एंगल हमने पी बनाया और इससे फाइंड किया। अब बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। तो साइन ए की वैल्यू दी हुई 3/4, तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा बेस एंगल है, तो हमें हमेशा जो फाइंड हो करना हो उसे हम बेस पे रखते हैं, इसे हम बी मेंशन कर लेते हैं और इसे सी मेंशन कर लेते हैं। और साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, तो हम पहले मेंशन करते हैं साइन ए इक्वल टू 3/4, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन ए पी बाई ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये पी है ये एच है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 4। देन हमें बेस फाइंड करना है, तो हम यहाँ बेस फाइंड कर लेते हैं, बेस का स्क्वायर लास्ट फॉर्मूले में हमने मेंशन कर दिया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 में से 9 गए हो जाएगा 7, देन ये 7 हो गया, तो यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 7, और 7 का रूट होगा नहीं कोई वैल्यू, तो हम इसको इसी में रख देंगे, इरेशनल नंबर होगा जाएगा ये रूट 7। देन हमें फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए,
तब हमें ए बी की जो वैल्यू फाइंड हुई क्या फाइंड हुई, रूट सेवन। हमें फाइंड करना है कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आपको इसे लर्न करना पड़ेगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस हमारा क्या है रूट सेवन और हाइपोटेनियस क्या है फोर, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। देन हमें फाइंड करना है टैन ए, टैन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है थ्री और बेस क्या है रूट सेवन। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट सेवन हो गया तो हम इसे रेशलाइज कर लेंगे, रूट सेवन का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेंगे, इसे रेशलाइज कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा थ्री रूट सेवन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेवन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। रूट सेवन का मल्टीपल होकर सेवन बन जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए का। क्वेश्चन नंबर फोर, गिवेन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड sec a, है ना, तो हमें साइन ए एंड sec a फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हमारा ये a हो जाएगा, इसको हम b मेंशन कर देते हैं और इसको हम c मेंशन कर देते हैं। देन हमें फाइंड क्या है 15 cot a इज इक्वल टू 8, cot a इक्वल टू 8 अपॉन 15 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 15 मल्टीपल में है, ये cot a आपस में मल्टीपल नहीं है लेकिन ये 15 जो नंबर बाहर ये मल्टीपल में, इसलिए इसे हम अपॉन में कर देंगे, रेसिप्रोकल में कर देंगे 8 अपॉन 15। तो cot a क्या होता है, अब लास्ट स्लाइड में देख सकते हो tan का रिवर्स होता है, तो फिर हम पहले सबसे पहले मेंशन क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि टैन का रिवर्स होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हमारा क्या है ये बेस है, ये 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 15, तो बी सी तो ये 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर नहीं है मेंशन नहीं, तो हम यूनिट मान लेते कोई भी होगा, सेंटीमीटर में मीटर में मेंशन नहीं। देन अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, एसी का स्क्वायर या हाइपोटेनियस के स्क्वायर, एसी साइड का नाम हमने मेंशन कर दिया तो कोई बात नहीं, चाहे साइड का नाम मेंशन करें चाहे उसे हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर लिखें, तो एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, अब इसके यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा बेस है, बेस के स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम लिख सकते थे पर हमने शॉर्ट में कर दिया, कोई बात नहीं, साइड का नाम चाहे लिखो चाहे उसकी जो है, ठीक है। ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64, 15 का स्क्वायर होगा 225, इन दोनों को सम करेंगे 549 और 628 289, ठीक है। ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू 289 है, तो ए सी अगर फाइंड करना होगा तो रूट 289 हो जाएगा, रूट 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 17, ठीक है, 17 यूनिट, क्योंकि हमें मेंशन नहीं है कि सेंटीमीटर में है कि इसमें, तो हम यूनिट मान लेंगे। अब हमें फाइंड करना है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या 15 अपॉन हाइपोटेनियस 17, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 17। देन हमें फाइंड करना है sec a, sec a क्या होता है, cos का उल्टा होता है, sin cos, तो cos का उल्टा sec, तो hypotenuse अपॉन बेस हो जाएगा,
हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी कि 17 अपॉन 8, ये हमारा हो जाएगा सेक, ये हमारा हो जाएगा साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, तो सेक दे दिए तुम्हें साइन कॉस टेन कॉट है ना, कॉस है कि जितने बचे हुए हैं सब हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी सेक थीटा, तो इसको ये थीटा बोल रहे हैं, ये थीटा है कितने डिग्री से मतलब नहीं है, थीटा है एंगल को साइन करने के लिए हम, ये थीटा है। ठीक है, यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है 13, हाइपोटेनियस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 हो जाएगा 169 और 12 हो जाएगा 144, इनका सब्ट्रैक्शन होगा 25, और जो 25 को रूट लिखेंगे रूट 25 को, तो क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब ये साइड हमारी ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम यहाँ पर ए बी स्क्वायर में और यहाँ ए बी ऐसे लिख सकते हैं, ए बी यानी हमारा परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देन अब हम सारे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर फाइंड हो गया, हाइपोटेनियस पहले से फाइंड था 13 सेंटीमीटर क्योंकि ये यूनिट है हमें फाइंड नहीं, इसे यूनिट लिख देंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। फिर आता है हमारा टेन, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर। देन सेंटीमीटर नहीं है यूनिट में है, ध्यान रखना है क्योंकि इसमें सेंटीमीटर नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर यूनिट बोलते हैं 5 यूनिट 12 यूनिट। देन साइन कॉस 10 कॉट थीटा, कॉट थीटा 10 का रिवर्स होगा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 12 अपॉन 5 हो जाएगा। सेक हमें फाइंड है, हम सीधा कॉसेक फाइंड करते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा साइन का रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13 अपॉन 5 ये हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।